नमस्कार आदाब, न्यूज़ क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। ये नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। थाने में फसलों की लूट और विनाश के मुद्दे पर आदिवासी किसानों का उग्र विरोध प्रदर्शन। बसपा के 6 विधायकों ने की बगावत। राज्यसभा प्रत्याशी के नामांकन पर फर्जी हस्ताक्षर का लगाया आरोप। ग्राउंड रिपोर्ट, बिहार में बाकी 2 चरणों का भी हुआ एजेंडा सेट। और आखिर में कोरोना अपडेट, देश में पिछले 24 घंटों में 50,000 के करीब नए मामले। अखिल भारतीय किसान सभा यानी AIKS के झंडे तले करीब 1,000 की संख्या में आदिवासी किसान महिलाओं और पुरुषों ने पिछले सप्ताहांत के दौरान थाने शहर के बीचों बीच स्थित थाने जिलाधिकारी कार्यालय की ओर कूच किया था। उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर स्थित मुख्य सड़क को 1 घंटे तक के लिए जाम कर दिया था। वहाँ पर मौजूद पुलिस भी हैरान और परेशान थी। रास्ता रोको मुहिम उसी रात सूरत में वापस ले ली गई थी, जबकि जिलाधिकारी 23 अक्टूबर के दिन AIKS प्रतिनिधिमंडल से मिले और उनकी मुख्य मांगों को उनके द्वारा स्वीकार कर लिया गया। ये आदिवासी किसान थाने शहर और थाने जिले के शाहपुर तहसील से आए थे। 19 अक्टूबर के दिन वन विभाग के कुछ कर्मचारियों ने बिना कोई नोटिस दिए अचानक से कटाई के लिए तैयार खड़ी धान, अरहर और नकदी की फसलों को नष्ट कर दिया और उन्हें लूट ले गए। ये फसलें यहाँ पर रह रहे एक आदिवासी किसान परिवारों की थी, जो पिछले कई वर्षों से येयूर पहाड़ियों पर खेती किसानी का काम कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के 6 विधायकों ने बगावत कर दी है। 4 विधायकों ने को राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी पर प्रत्याशी के नामांकन पत्र पर प्रस्तावक के तौर पर किए गए अपने हस्ताक्षरों को फर्जी बताते हुए बुधवार को पीठासीन अधिकारी को एक शपथ पत्र दिया। श्रावस्ती से बसपा विधायक असलम रहमानी ने संवाददाताओं को बताया कि उनके और पार्टी विधायक असलम चौधरी, मुश्तबा सिद्दीकी और हाकिम लाल बिन द्वारा पीठासीन अधिकारी को दिए गए शपथ पत्र में कहा गया है कि राज्यसभा चुनाव के लिए बसपा के प्रत्याशी रामजी गौतम के नामांकन पत्र पर प्रस्तावक के तौर पर किए गए उनके हस्ताक्षर फर्जी हैं। उनके साथ विधायक सुषमा पटेल और हरिगोविंद भार्गव भी थे। आगामी 9 नवंबर को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए नामांकन पत्रों की आज जांच करी जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक पीठासीन अधिकारी इन बसपा विधायकों की शिकायत पर गौर करके उचित निर्णय लेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के तहत प्रदेश में 16 जिलों में 71 विधानसभा क्षेत्रों में बुधवार शाम 6 बजे मतदान सम्पन्न हुआ। इनमें से कुछ सीटों पर दोपहर 3 बजे और शाम 5 बजे तक वोट डाले गए। चुनाव आयोग से प्राप्त अंतिम अपडेट के मुताबिक पिछले चरण में बिहार में कुल 54.9% मतदान हुआ है। न्यूज़ क्लिक की भाषा सिंह ने पहले चरण के मतदान से निकले रुझानों और आवाज़ों पर नज़र डाली है। भाषा का मानना है कि डबल इंजन की सरकार उर्फ नीतीश कुमार और भाजपा की साझा सरकार के खिलाफ लोगों में जो आक्रोश सतह पर दिखाई दिया है वह अगले 2 चरणों का ट्रेंड भी सेट करने वाला है। आइए देखते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट। चुनाव तो लंटेन छाप का बहुत ज़्यादा है तेजस्वी यादव का, लेकिन वो तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि अभी बहुत कम उम्र है, ज़्यादा जानकारी नहीं है। कितनों कम उम्र है तो उम्र पर नहीं जाइए, उनको देखने पर क्या लगता है कि कम उम्र है तो क्या होगा, लेकिन वो जो कहे हैं से वादा पूरा किए हैं। राघोपुर क्षेत्र में सब दिन पीपा पुल रहा, नैया चला, लेकिन इस बार पक्का पुल का निर्माण किए। बोले कि हम इस बार जीतेंगे तो हाथ लग जाए लगा देंगे, लेकिन हाथ लग गया पक्का पुल में। अखनी 136 पाया तैयार हो गया। मेरा वोट महिलाओं के मान सम्मान के लिए है, मेरा वोट आज़ादी के लिए है, मेरा वोट राजनीतिक बदलाव के लिए है, मेरा वोट सामाजिक बदलाव के लिए है, मेरा वोट रोजी रोजगार के लिए है। योगी जी से ब्राह्मण नाराज है या ब्राह्मणों के खिलाफ नाराज है? यहाँ पे भी कुछ नाराज है, उसका रिजल्ट तो मतलब ब्राह्मण का नाराजगी होना ये तो रिजल्ट तुरंत चुनाव बताएगा। इतना इम्पोर्टेंट वोट है ब्राह्मण का बिहार में? निर्णायक वोट होगा, इम्पोर्टेंट तो छोड़िए ना, निर्णायक वोट होगा ब्राह्मण का यहाँ जी। हर कास्ट का तो वोट बट गया है, आप देख लीजिए रिगुना विधानसभा में एक भी ब्राह्मण नहीं खड़े हुए हैं। तो फिर ब्राह्मण कहाँ जाएगा? ब्राह्मण जाएगा इसके पास रास्ता देखेगा, देख रहा है वही गठबंधन देखेगा और क्या करेगा। कब से यहाँ काम कर रहे हैं? काम नहीं करते, गाड़ी चलाते हैं। तो बिजनेस ठीक चल रहा है? लॉकडाउन से फर्क पड़ा था कुछ? बहुत। देखिए बिहार में इस बार बदलाव
होना एकदम तय है। लोग नीतीश कुमार और मोदी दोनों की जुमलेबाजी से तंग आ चुके हैं। रोजगार के सवाल बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है और जाति चूंकि समाज में है उसकी अपनी भूमिका है, लेकिन यह सवाल इस बार जाति के दायरे को पार करता हुआ सवाल है और ये सिर्फ राजद का जो आधार माना जाता है या उसके साथ जो वामपंथी पार्टियां इस बार महागठबंधन में हैं उन्हीं के आधार की बात नहीं है, उस आधार से बाहर के नौजवान भी उनका भी यह सवाल है और एक बड़ा हिस्सा उनका चाहता है कि ये नीतीश कुमार की सरकार जाए और ये वो यह नहीं सुनने को तैयार है कि तेजस्वी अनुभवहीन है। वो कह रहे हैं कि भाई हम एक मौका देंगे, एक मौका देना चाहते हैं, ये अनुभवी लोगों को हम लोग देख चुके, सिर्फ इतने वर्षों से जुमलेबाजी कर रहे हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। और फिर जो कोरोना काल में इस सरकार ने जो भूमिका निभाई है, जिस तरह का निर्मम व्यवहार किया है, उसका परिणाम भी इसको मिलेगा। बेटी के बचाए खाते डबल इंजन गिराए हो गया है, हम देख रहे हैं कि युवा उभार पूरे देश में करवट ले रहा है, आज 72 जैसा एक माहौल फिर से बन रहा है और इसीलिए क्योंकि मोदी जी के पिछले 6-7 साल के राज में देश में 3 बड़े आंदोलन, इसमें एक आंदोलन रोहित धर्मला की संस्था छात्र नौजवानों का उभार जो शुरू हुआ तो पहले एक आइडियोलॉजिकल कंटेंट के साथ एक लचर के साथ जब हमारे लोगों ने नारा दिया कि नए भारत के रास्ते भगत सिंह अम्बेडकर के रास्ते, जब जय भीम और लाल सलाम का नारा छात्रों में पॉपुलर होने लगा तो उस वैचारिक वहाँ से शुरू करके आज पूरे शिक्षा रोजगार के लिए व्यापक बड़ा आंदोलन और कोरोना काल में परीक्षाओं को रोकने के लिए, और आज ये आंदोलन कहीं कोई एक दो यूनिवर्सिटी का आंदोलन नहीं है, बड़े शहरों का नहीं है, एकदम गांव गांव कस्बों तक। तो हमारी ये कोशिश थी कि इस छात्र युवा उभार को पूरे देश के पैमाने पर उसको कैसे और इसीलिए हमने कॉम्रेड संदीप को यहाँ मैदान बनाया। हमने देखा कि जो हमने उम्मीद की थी उनके कैंडिडेट के जरिए वो उम्मीद काफ़ी हद तक पूरी हुई, एक छात्र नौजवानों के मुद्दे जिस तरह से वो उनके पूरा अभियान छात्र नौजवानों पर केंद्रित, अजीत कुशवाहा को हमने उम्मीदवार बनाया डुमराव से और डुमराव के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने हाथों हाथ उनको ले लिया कि हमें ऐसे ही एक उम्मीदवार चाहिए था। वो हम देख रहे हैं कि जब नौजवानों में एक अच्छी बात ये हो रही है, जो जनरेशन शिफ्ट हो रहा है बिहार का एक तरीके से संक्रमण का दौर, और ये जो नई पीढ़ी है और जिनके सामने अभी इस समय रोजगार का सवाल है, भविष्य का सवाल है, वहाँ वो कास्ट की सीमा वो टूट रही है। कहेंगे नहीं इतना जल्दी की कास्ट खत्म हो रहा है, लेकिन जरूर उसकी सीमा जो है शिथिल हो रही है, जो प्रवासी मजदूर का मुद्दा है। प्रवासी मजदूर चाहे जिस जाति के हो, किसी सिर्फ दलित और अति पिछड़ी जाति के ही प्रवासी मजदूर नहीं है, जो लोग फंसे थे छात्र कोटा में सब, इसलिए लॉकडाउन ने, किसानों के संकट ने, बेरोजगारी ने एक हद तक जाति की सीमा को तोड़ दिया। लोगों को लग रहा है कि जो मुद्दे हैं वो सभी जाति के लोगों को कमोबेश एक ही ढंग से प्रभावित कर रहे हैं और इसीलिए शायद नए ढंग से सोचने की जरूरत है, पुराने ढंग पर उसी पैटर्न पर सोचने से फायदा नहीं है। हम वोट डले बानी मोनकिया कुंवर, रोटी रोजी खाती, पेंशन बढ़ावे खाती, बाल बच्चा के सबके मान समाज खाती, समान खाती, आजादी खाती। इन चुनाव में महंगाई या बेरोजगारी कोई मुद्दा है क्या? ये तो मुद्दा शुरू से चल रहा है 2014 से, ये तो मुद्दा 2014 से ही आ रहा है। 180 रुपया प्लस हुआ, फिर तो प्याज 70 का हो गया है, ये तो सबसे बड़ी मुद्दा है। लेकिन लोग इस पे बोलते नहीं, कुछ लोग कहते हैं ऐसे ही हमेशा तो रहा है, वहीं हिंदू मुस्लिम करा देना है, राम मंदिर करा देना, तो लोग बोलेगा कैसे? राम मंदिर क्यों नहीं मुद्दा बन रहा बिहार में? कैसे मुद्दा बनेगा, झूठा का मान लीजिए आपसे पहले भी बोले कि झूठ का कोई हद होता है,
जब झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ आप बोलते जाइएगा तो कितना आपको मुद्दा दीजिएगा। जैसे सबसे ज्यादा क्या झूठ है आपके सही हिसाब से? झूठ तो जब से बोल रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी आए तभी से 2 करोड़ नौकरी दर है, पता ना नौकरी कहाँ चली गई, विशेष राज का दर्जा बिहार का पता ना कहाँ चला गया, बहुत सारे ऐसे वादे किए जो कुछ नहीं हुआ, धरातल पे तो दिख नहीं रहा है कुछ। आएंगे तो बोलेंगे कि 4 लाइन बनवा दिए, तो 2010 का प्रोजेक्ट है ये जो आपके यहाँ सामने बन रहा है, जो बन रहा है तो 2010 का प्रोजेक्ट है, आज जाके क्लियर हो रहा है, फिर ये बोलेंगे हम क्लियर कर दें, ऐसा कुछ थोड़ी है, बस वादे कर देना है, वादे करने में लगता है। लेकिन लोग तो वोट दे ही देता है ना, वही हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोग दे देता है। अगर मान लीजिए अभी हिंदू मुसलमान हो गया तो? अब तो समझ में चुके हैं ना लोग, अब कैसे कर देंगे, बार बार यही थोड़ी होगा, पुलवामा करा दीजिए, जब चुनाव आएगा कहीं अटैक करवा दीजिए, तो लोग पागल थोड़ी ना है, बुर्बक थोड़ी जनता बैठा है, वो तो तुरंत तुमको ही ज्ञान दे देगा कि हाँ इसका क्या रिजल्ट होगा, आप देख लीजिए, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल कीजिएगा, क्या लगातार झूठे बोलिएगा तो जनता पागल थोड़ी बैठी है। तो आपको लगता है कि बिहार में लोग समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं, नहीं समझते तो इतना एक तेजस्वी है, पूरा केंद्र का मंत्री लगा हुआ है, इतना भीड़ कहाँ से इकट्ठा हो रहा है बिना समझे हुए, लोग समझ रहे हैं तब ना। लेकिन लोग कह रहे हैं उसकी उम्र बहुत कम है, उसको ज़्यादा समझ नहीं आती है। इसका उम्र एक बैग सबसे ज़्यादा, सबसे कम उम्र का मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव बना था, उस समय तो उसका भी उम्र 28 साल था, उससे भी कम उम्र का थोड़ी है, तो 31 साल का हो गया। तो आपको लगता है इस उम्र में संभाल सकता है? जरूर संभाल सकता है, जब राजीव गांधी 40 साल की उम्र में देश संभाल सकते हैं तो ये मुख्यमंत्री एक राज्य नहीं संभाल सकता है। आप तो दूसरी कास्ट के हैं, कास्ट से क्या लेना देना है, हम तो जिस कास्ट से उस कास्ट को कोई नहीं जानता है, जो आएगा वो तो स्वर्ण को ही दबाएगा। हम वोट देले बानी शिक्षा रोजगार खातिर या बेटी के मान सम्मान खातिर रोजी रोजगार खातिर। बिहार का बहुत आदमी बाहर से वापस आया, बिहार के बहुत आदमी तो मर गया प्रदेश में, अब कितना आदमी आया, आप कितना आदमी का आने का संभावना नहीं हुआ, तो वो आदमी का क्या कि अपने आप को ट्रेन से भी कट गया 10 आदमी। ये सब मुद्दा रहेगा चुनाव में? अभी तो अब आगे के चल के अब क्या होगा ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमको मेरी आत्मा विश्वास है कि मेरा नेता अमित जीतेगा। दूसरा जो चीज़ नहीं दिख रही है आमतौर पर उस पर, चूँकि जातीय समीकरण पर लोग बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं, किसानों और खेत मजदूरों की दशा बहुत खराब हुई है, और इस बार के चुनाव में जो उनके जीवन के सवाल हैं वो फोकस में आ गए हैं, और वही लगातार उसको भटकाने की कोशिश की जा रही है, और वो लेकिन वो सवाल बने हुए हैं, इसलिए उन सवालों का बने रहना जो मौजूदा सरकार है उनके लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर रहा है। और दिलचस्प ये है कि ये जदयू हो या भाजपा हो, वही इन बुनियादी मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है पूरे चुनाव प्रचार को, और लोग इसको समझ रहे हैं। तो जाति तो इस समाज में है, लेकिन जाति की अगर के हिसाब से अगर देखिएगा तो जिसको पॉपुलर लहजे में कह रहे हैं कि मनुस्मृति थोपने की कोशिश की जा रही है, और संविधान को ये लोग नष्ट कर रहे हैं, संवैधानिक अधिकार को, लोकतांत्रिक अधिकार को नष्ट कर रहे हैं, तो वो एक बड़ा जो कहिए कि जो वर्चस्वशाली जातियां हैं उसके बरक्स जो एक बड़ी आबादी है दलित पिछड़ों की, हालांकि उसमें भी से हमारी एनडीए की है, लेकिन तब भी महागठबंधन बनने के बाद उसका दायरा बहुत बड़ा हो जाता है, और मुझे लगता है कि वो इस बार सरकार को तो बदल ही देगा, और ये जो सरकार बनेगी उस पर जनता के इन बुनियादी मुद्दों का दबाव रहेगा, और शायद यह बहुत यह सकारात्मक होगा बिहार के लिए, क्योंकि लोग देख चुके हैं कि भाई दो सरकार केंद्र में सरकार रही, यहाँ भी सरकार रही, बिहार का पैकेज तो लोग भूल गए, अब बिहार के पैकेज पर कोई बातचीत नहीं करता है, डीएनए बिहारी डीएनए भेज रहे थे लोग, तो मुझे लगता है कि इस बार बिहार का असली डीएनए
यदि चुनाव दिखाएगा जब तक सीगा पूरी आएगा नहीं तो फिर सुधार होगा कैसे, कुछ तो नई सोच लाना पड़ेगा ना, तो कुछ पर बदलना तो जरूरी ही है। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल क्या हुई, जैसे अभी भाजपा का जो चुनाव प्रचार चल रहा था उसमें मोदी जी का भी पोस्टर लगा था कि हमने सब बिहारियों को घर पहुंचाया वापस, लेकिन बिहारी तो झूठे पे कोई भूल होता है, मान लीजिए जिसको झूठे बोल देना जो भी मन वही बोल दे। अभी तो तेजस्वी 10 लाख नौकरी के लिए बोला, तीन लोग हिसाब मांग रहे थे कि पैसा कहाँ से आएगा, कल परसों मोदी जी आए थे और 19 लाख को ऐलान करके चले गए, पता ना वो कहाँ से देंगे, तो झूठा का कोई मान लीजिए ये थोड़ी है, जो मन में बोल देना। लेकिन 2019 में तो बिहार ने बहुत बड़े पैमाने पर मोदी जी को वोट दिया और उन्होंने 2 करोड़ नौकरी का भी वादा किया था। चुनाव का अलग मोमेंट है और विधानसभा का अलग मोमेंट है, विधानसभा में लोग अपना क्षेत्रीय नेता चुनते हैं, व्यक्तिगत वोट भी होता है, व्यक्तिगत वोट के चलते लोग को अपना लगाव अपना सोच या अपना नज़दीकी प्रत्याशी लोग चुनते हैं, जैसे यहाँ पे युवा प्रत्याशी राकेश ओझा है, सहानुभूति वोट है, कुछ युवा के नाते उन पर चढ़ रहा है, जो किसे हैं वो? शोभा देवी के पुत्र हैं वो, और बीजेपी प्रत्याशी का सीट इसीलिए उनका डिस्टर्ब हो रहा है शोभा देवी के चलते, नहीं तो यहाँ बीजेपी ही निकलते है, बीजेपी का मतलब गढ़ है, बीजेपी का ही सीट है, इसके पहले भी 10 साल विधायक रह चुके हैं मुनि देवी, बहुत जगह तो सीट सीट के लिए मतलब सीटिंग विधायक को लेकर के सीट फंस रहा है बीजेपी का, ऐसा भी बहुत जगह हुआ है, नया चेहरा उतार दिया अनजान अनजान जगह से प्रत्याशी ला करके और नया नया प्रत्याशी डाल दिया जो कोई पहचानता ही नहीं, जिनका कभी नाम भी नहीं आया हुआ है। मेरा नाम चिंटू है, मैं भोजपुर के तरारी विधानसभा से, मैंने अपना वोट शिक्षा और रोजगार के लिए दिया है, मान और सम्मान के लिए दिया है, बेटियों को सुरक्षा और बराबरी का अधिकार देने के लिए दिया है, और डबल बुलडोज़र की सरकार को गिराने के लिए दिया है, और मेरा ये वोट सांप्रदायिकता के खिलाफ शांति और अमन के लिए गया है। जो पहले चरण का चुनाव हुआ है निश्चित तौर पर इसकी छाप आने वाले दोनों चरणों पर पड़ेगी, यहाँ पर एक तरह से एजेंडा सेट हुआ है, एजेंडा है बिहार के असली विकास का, एजेंडा सेट ये हुआ है कि जातियों को जिस तरह से देखने की आदत पॉलिटिकल क्लास ने पैदा की थी वह मर्ज हो रही है, वह मिक्स हो रही है, इसीलिए हमने इस एपिसोड में कोशिश की अलग अलग जाति समूहों से बात करने की और जानना चाहा कि वे अगर वोट दे रहे हैं तो किस आधार पर वोट दे रहे हैं, उन्हें अगर भाजपा और नीतीश से समस्या है तो उस समस्या की जड़ क्या है। बहुत ही दिलचस्प इसमें समीकरण सामने उठ के आए हैं कि दबंग जातियों में भी असंतोष और आक्रोश बहुत तगड़ा है, इसकी अपनी अलग वजहें हो सकती हैं लेकिन वे अपना असंतोष रख रहे हैं, और शायद भारतीय लोकतंत्र के लिए यह बहुत जरूरी है कि असंतोष को जगह मिले, स्पेस मिले। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज 29 अक्टूबर को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 49,881 नए मामले सामने आए हैं, इसके अलावा कोरोना से एक दिन में 517 मरीजों की मौत हुई है, साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 56,480 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और कुल एक्टिव मामलों में 7,116 मामले कम हुए हैं। देश भर में अब कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 80,40,203 हो गई है, जिनमें से अब तक 1,20,527 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा जानकारी के अनुसार रिकवरी रेट में आज 0.13% की बढ़ोतरी के साथ रिकवरी रेट बढ़कर 90.99% हो गया है, यानी अब तक 70,73,15,989 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। देश में अब कुल एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 6,03,687 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 10,65,63,440 सैंपल्स की जाँच की गई है, जिनमें से 10,75,760 सैंपल्स की जाँच पिछले 24 घंटों में ही हुई है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही, हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें, साथ ही हमें Facebook और Instagram पर भी फॉलो करें और साथ ही साथ हमारी हिंदी वेबसाइट पर भी एक नज़र डालें। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।